लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने की अपील, मतदान अवश्य करें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदान के लिए पीजी कॉलेज से किया गया मतदान सामग्री का वितरण, मतदान दल हुए रवाना। उन्नीस अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे मतदान, अधिकारी कर्मचारियों ने मतदान केंद्रों पर बनाई संपूर्ण व्यवस्थाएं। और नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर 17 अप्रैल को शहर के माता मंदिरों से निकली जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2024 में छिंदवाड़ा जिले का मतदान प्रतिशत सबसे अधिक हो, इस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है आप सभी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और छिंदवाड़ा जिले के मतदाताओं से कि आप 19 अप्रैल 2024 को अपने मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर छाया पानी की व्यवस्था है, रैंप की व्यवस्था है और वहां पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएँ सभी मतदान केंद्रों पर की गई हैं। आप अपने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने के लिए आइए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले का प्रतिशत सबसे अधिक मतदान का रहे, ऐसा आप सभी को प्रयास करना है और आप सभी से मैं सहयोग की अपील करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। लोकसभा चुनाव में हम सबको मतदान करने का जो अवसर मिला है, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि इस बहुत बड़े एक अभियान में हम अपनी जो दायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है कि मतदान में शामिल हों। जिला प्रशासन पुलिस द्वारा सुरक्षा के समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान केंद्र स्तर पे सेक्टर मोबाइल लगाई गई हैं और जोनल मोबाइल लगाई गई हैं। सभी राजपत्रित अधिकारी भ्रमण पे रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी विशेष व्यवस्था की गई है, चेकिंग नाके लगाए गए हैं। अन्य राज्यों से आने जाने वाले, अन्य जिलों से आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी, कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। अपना कर्तव्य है कि अधिक से अधिक मतदान करें ताकि लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो सफल हो। थैंक यू। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 छिंदवाड़ा के लिए छिंदवाड़ा और पांडुना जिलों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए आज मतदान ड्यूटी में लगे जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मतदान के लिए छिंदवाड़ा और पांडुना जिलों में कुल 1,939 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 16,32,190 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें 8,24,449 पुरुष, 8,07,726 महिला और 15 अन्य मतदाता शामिल हैं। काउंटर A6, आपकी बहुत सारी मशीनें अभी गई नहीं है। A6 सभी पीठासीन अपनी अपनी डिकोडिंग सामने सूचना पट्टी अपने अपने वाहनों में बैठेंगे। और अगर किसी को वाहन मिलने में असुविधा हो रही होगी तो यहाँ काउंटर में आकर संपर्क कर लेंगे। नहीं
कल जो लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रहा है उसका समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए 1939 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। इसमें 16,32,190 मतदाता भाग लेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए जो छाया पानी की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को गर्मी की स्थिति को देखते हुए टेंट वगैरह की व्यवस्था मतदान केंद्र के सामने है। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप और अन्य व्यवस्थाएं हैं। दिव्यांग मतदाताओं को आने जाने के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जो क्रिटिकल या वल्नरेबल हैं, तो 4 मतदान के लिए वल्नरेबल की श्रेणी में, वहाँ सभी जगह CAPF की व्यवस्था है। बाकी जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है वहाँ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ निर्वाचन की गतिविधियों में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं तो 247 सेक्टर मजिस्ट्रेट की गई है जो अपने अपने सेक्टर क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करेंगे। साथ में सभी तहसीलदार SDM SDOPs अपने अपने क्षेत्रों में थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी लगातार भ्रमण करेंगे और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि कल पूरे संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन संपन्न हो। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत छिंदवाड़ा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, जरूरी दवाइयां और टेंट की व्यवस्था की जा चुकी है। वहीं मतदान दल भी अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान से संबंधित आवश्यक तैयारियों में जुट गए हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 छिंदवाड़ा के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को होना है, जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति से पूर्व की 48 घंटे की अवधि के लिए जारी मानक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि आपको मालूम है 17 तारीख को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो गया है, तो आप सभी इस तरह की गतिविधियों में अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे कि प्रचार प्रसार करें। आपको अगर अपने मतदाताओं से कुछ बात करनी है तो डोर टू डोर संपर्क के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीके से नहीं। दूसरा आपसे अनुरोध है कि आप इस अवधि में 10 वाहनों की अनुमति ले सकते हैं, एक अभ्यर्थी के नाम से, एक निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से और एक आपके किसी प्रचार करने के लिए जिसको आप लगाना चाहते हैं। साथ ही प्रत्येक विधानसभा के लिए भी एक एक वाहन की अनुमति ले सकते हैं। इस तरह से 7 प्रत्येक विधानसभा के मान से और 3 वोट, इस तरह से 10 गाड़ियों की परमिशन ले सकते हैं और एक गाड़ी में इस दौरान केवल 1+4 मतलब 5 व्यक्ति ही इसमें बैठ सकते हैं। इन वाहनों की अनुमति के लिए एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है जो कि छिंदवाड़ा से ही रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से ही जारी होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी को वाहनों की अनुमति अपने इन 2 दिनों के लिए 18 और 19 तारीख के लिए चाहिए होगी तो इस ऑफिस में ADM ऑफिस में एप्लीकेशन दे करके अपनी अनुमतियां ले लें। दूसरी चीज, चूंकि 6 बजे से आज 17 अप्रैल को प्रचार कार्य बंद हो गया है, तो जो ऐसे मतदाता जो इस संसदीय क्षेत्र के निवासी नहीं है और किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार वगैरह करने के लिए आए थे, तो उनसे अनुरोध होगा कि वो अब ये संसदीय क्षेत्र छोड़ करके इस संसदीय क्षेत्र से बाहर चले जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध 144 के जो प्रतिबंध लागू किए गए हैं उनके उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही आप सभी मतदाताओं से पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्रों पर आए, जिससे कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया जा सके। धन्यवाद। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर
महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क, सभी प्रकार के स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध, शानदार बड़े बड़े 4-4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध, फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। माँ दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति श्री श्री सिंह भाईनी मंदिर पीडब्ल्यूडी परिसर शिवनगर कॉलोनी में 17 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव एवं घट विसर्जन का कार्यक्रम समिति सदस्यों व बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तों के द्वारा सम्पन्न किया गया। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 12 बजे बड़े धूमधाम से आतिशबाजी कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राम जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं शाम को बाजे गाजे के साथ छोटा तालाब में घट विसर्जित किए गए। कार्यक्रम में पंडित राम शर्मा, रोमी राय, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, गणपत साहू, सुरेंद्र दुबे, प्रधान पुजारी सहित अन्य श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे।
इसी क्रम में चैत्र नवरात्र पर्व की नवमी पर मेन रोड स्थित सिद्ध शक्ति पीठ श्री छोटी माता मंदिर से भी भव्य जवारे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों के साथ मातृशक्तियां शामिल हुई। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व पर 800 से अधिक मनोकामना कलशों की स्थापना की गई थी, जिनका विसर्जन 17 अप्रैल की शाम किया गया।
17 अप्रैल की शाम वार्ड नंबर 17 शनिचरा बाजार स्थित श्री माँ आदिशक्ति काली माता मंदिर से भव्य जवारे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने की अपील, मतदान अवश्य करें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदान के लिए पीजी कॉलेज से किया गया मतदान सामग्री का वितरण, मतदान दल हुए रवाना। उन्नीस अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे मतदान, अधिकारी कर्मचारियों ने मतदान केंद्रों पर बनाई संपूर्ण व्यवस्थाएं। और नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर 17 अप्रैल को शहर के माता मंदिरों से निकली जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्त। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।